हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने और सेमेस्टर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल पे जाके आपको डाउनलोड करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा मैं इस वीडियो में, बने रहिए। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी आईडी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट रोल नंबर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट रोल नंबर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या कैंडिडेट नेम से या फिर फादर नेम से। हर स्टेप से आपको करके बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप भेजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसने अपने ऑड सेमेस्टर मतलब या फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, या किसी के जो 4 साल के कोर्स होंगे उनका 7 सेमेस्टर, इन सभी सेमेस्टर का इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पेपर आने वाले हैं तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया, तो वही सब डाउनलोड करके मैं बताऊंगा आपको हर स्टेप से कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम पहले तो चले जाते हैं अपने ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल पर। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लिया हम LU के ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल पे आ गए। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन पे आना होगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर उन सब चीज़ों की कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं। UG PG और सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, फाइंड योर फॉर्म नंबर, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी चाहिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, सर्च बाय फॉर्म नंबर। अगर आपको फॉर्म नंबर पता है तो आप फॉर्म नंबर से सर्च कर सकते हैं, या फिर नो योर फॉर्म नंबर फ्रॉम हेयर, आप अपना फॉर्म नंबर कैसे पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं पहले बता देता हूँ कि आपका फॉर्म नंबर होता क्या है। फॉर्म नंबर जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो आपको ये एक ऐसा एग्जामिनेशन फॉर्म मिला होगा, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट दे रखे होंगे और सब कुछ दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आपका फॉर्म नंबर है, ठीक है। तो इस फॉर्म नंबर में यहाँ से आपका ये फॉर्म नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है 0061210, ऐसे करके आपके भी फॉर्म में नंबर होगा, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्म नंबर है। अगर यही आप डायरेक्ट डाल देंगे तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं डाल के देख लेता हूँ। तो फॉर्म नंबर तो मैंने बता दिया कि आपको फॉर्म नंबर क्या होता है। अगर आपको फॉर्म नंबर पता है तो डायरेक्ट आप फॉर्म नंबर डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और गेट एडमिट कार्ड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। वो एक सिंपल मेथड था। आप जिन लोग जिन स्टूडेंट के पास हो सकता है किसी ने स्क्रीनशॉट रखा हो, किसी ने उसका PDF या फोटोकॉपी हो या ना हो, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं तो उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए यहाँ से नो योर फॉर्म नंबर फ्रॉम हेयर, तो यहाँ जाएंगे आप, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जब आप नो योर फॉर्म नंबर पे जाएंगे तो यहाँ से आपको इतने सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारा एग्जाम टाइप। तो एग्जाम टाइप में हम आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आप PG का ओल्ड पेपर दे रहे हैं, और बैक पेपर दे रहे हैं, एक्स स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं, या रेगुलर का पेपर दे रहे हैं। इसी तरह आपका UG का भी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेगुलर है वही दे रहे हैं हम पेपर, तो रेगुलर में हमारा UG में रेगुलर ऑड सेम में, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग होकर हमारा नेक्स्ट चला जाएगा। फिर उसके बाद हमें कोर्स चूज़ करना होगा, तो यहाँ से हम कोर्स चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कोर्स। तो यहाँ से इतने सारे कोर्स दे रखे हैं, आप जो भी कोर्स करेंगे BA BSc BCOM जो भी करेंगे वो कर लेंगे। तो चलिए हम BCOM देख लेते हैं। BCOM जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसके लिए मैं देख लेता हूँ आपका। अगर थर्ड सेमेस्टर है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर है तो यहाँ, इस तरह BCOM ऑनर्स या BSc जो भी आप कर रहे होंगे वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा BCOM फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है, तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास किस चीज़ की जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ से ये इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इस ऑप्शन में क्या है, आपके पास अगर यूनिवर्सिटी ID है तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट रोल नंबर जो आपको याद हो, जैसे आप सेकंड ईयर में होंगे, ठीक है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, तो आपको लास्ट रोल नंबर अगर आपका याद है तो वो यहाँ से डाल के आप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, अगर आपको इनरोलमेंट नंबर मिला है तो इस ऑप्शन पर जाके क्लिक कर लेंगे। अगर आपको इंटरमीडिएट का रोल नंबर अपना याद है तो यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और कैंडिडेट नाम से भी नेम से भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नीचे होगा फादर नेम, या फिर फादर के नेम से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि आप इंटरमीडिएट देखिए, सब कुछ मैच कर सकता है, ये आपको ध्यान नहीं, ये आपको ध्यान नहीं, कैंडिडेट नेम मैच कर सकता है, फादर नेम मैच कर सकता है, बट आपका इंटरमीडिएट का रोल नंबर नहीं मैच कर सकता, और वो डेफिनेटली सबके पास होगा ही, ठीक है। तो और फॉर्म नंबर से करना तो मैंने बता ही दिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी मैं आगे चल के फिर बता दूंगा। अगर आपके पास फॉर्म नंबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर फॉर्म नंबर नहीं है तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है।
तो इसमें से सबसे इजी ऑप्शन क्या है? सबसे इजी ऑप्शन है हमारा इंटरमीडिएट रोल नंबर, क्योंकि हो सकता है किसी को अपना लास्ट रोल नंबर ना पता हो, एनरोलमेंट नंबर भी ना पता हो, कैंडिडेट नेम से बहुत सारे नाम खुल के आ जाएंगे, फादर नेम से भी बहुत सारे स्टूडेंट के फादर का नेम हो सकता है सेम हो, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट का रोल नंबर सबके पास होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सबके पास होगा, और किसी का भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट रोल नंबर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल देंगे इंटरमीडिएट का, चलिए हम डाल देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने अपना इंटरमीडिएट का रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद हम ये कैप्चा डालेंगे और सर्च पे लग जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया, उसके बाद हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च पे क्लिक करके तुरंत ही हमारे पास ये रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा आ गया है कि आपका फॉर्म नंबर ये है, साक्षी पटेल नाम है, फादर नेम ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्म नंबर आप ले जाएंगे और बैक टू होम पे जाएंगे, बैक टू होम पे जाके आप डाल देंगे। तो चलिए मैं यही फॉर्म नंबर आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहाँ बताया था आपको, जो आपने अप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहाँ पे भी आपको यही नंबर मिला था, मैं दिखा देता हूँ ये नंबर हमारा क्या है। ये नंबर आप नोट करिए 61210, ठीक है, आप अपना नोट करिएगा और मैं दिखा देता हूँ ये वही नंबर है। देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये भी वही नंबर है ना, आगे के 00 नहीं लगेंगे, 61210, ठीक है। तो वही फॉर्म नंबर आपका निकल के आ जाएगा। तो फॉर्म नंबर कैसे पता करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रह गई हो तो आप भेजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, आप ये नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर नोट करने के बाद आप बैक टू होम पर जाएंगे, जब आप बैक टू होम पे जाएंगे तो हमें फिर से मेन पेज पे ले जाएगा। फिर से मेन पेज पे हमें फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है कि ऑड सेमेस्टर एडमिट कार्ड 2019-20, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट पेज पे कहाँ, यहाँ पे हमें अपना फॉर्म नंबर भरना है विदाउट द लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो मतलब जो हमारा 00 लिखा हुआ था उसको छोड़ के बाकी के जो हमारा नंबर था वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना कैप्चा लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम अपना कैप्चा लिख देंगे, उसके बाद गेट एडमिट कार्ड कर देंगे। तो चलिए हम रोल नंबर और कैप्चा लिख के फिर आपसे मुलाकात। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमने अपना फॉर्म नंबर भर दिया और यहाँ पे हमने कैप्चा भर दिया, आप गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देख लीजिए एडमिट कार्ड खुल के आ गया, ठीक है। इसमें पूरा सबको डिटेल में दे रखा है कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, ये रोल नंबर आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सारे जितने भी ईयर में होंगे आपका ये रोल नंबर काम चलेगा, ठीक है। ये आपका ईयर दिखा रहा है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यूजी रेगुलर, उसके बाद फीमेल कैटेगरी आपकी, आपके कॉलेज का नाम दिखा रखा होगा, सेंटर दिखा रखा है, यहाँ से आपका सेंटर देख सकते हैं, भारतीय विद्या भवन गर्ल्स कॉलेज विनीतखंड गोमती नगर लखनऊ, आपके कॉलेज के पास में ही आपका सेंटर होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर दे रखा होगा, ये आपका फॉर्म नंबर दे रखा है, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट दे रखे होंगे, ठीक है, जो जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो सब सब्जेक्ट दे रखे होंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर फिर से दे रखा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। तो इतना सब करने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे स्टेप मैंने बता दिए हैं फ्रेंड। मैं अपने चैनल पे इसी टाइप के यूजफुल अपडेट लाता रहता हूँ, पल पल के अपडेट लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ से हमने आपको पूरा बता दिया कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ गई हो तो आप भेजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं कमेंट का रिप्लाई थोड़ा देर में कर पाऊँ, इसलिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर दिए, फेसबुक पर आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल सकता है। तो हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दिए, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही यूज़फुल अपडेट लाता रहता हूँ। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पूरा आपको बता दिया है। कोई समस्या रहती तो आप भेजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।